दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से आया, दिस इज स्विच। आप इस स्विच को यूं क्लोज करेंगे, करंट यहां से होता हुआ यहां से इस रेजिस्टर में से पास करेगा, इस थर्मिस्टर में से पास करेगा और यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ये सर्किट देखें तो मुझे बता सकता है ये सब चीजें कैसे कनेक्टेड है? ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज देखिए। जी, करंट का सिंगल पाथ है ना, जब करंट का सिंगल पाथ होता था तो कौन सा सर्किट होता था? यस, वेरी गुड, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सही आंसर बता रहे हैं, प्लीज। जी सही है बेटा, ये व्हेनेवर द करंट गॉट अ सिंगल पाथ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर ये लगा हुआ है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी ऑलवेज पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, ऑलवेज पैरेलल। खैर अच्छा, उसने क्वेश्चन भी दिया, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट। तो अब इसका सर्किट डायग्राम हमने बनाना है। ठीक है बेटा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास बैटरी आ गई, ये हमारे पास स्विच आ गया, ये फिक्स्ड रेजिस्टर आ गया, ये थर्मिस्टर है, दिस वन इज वोल्ट मीटर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ गई है बात की। ठीक है, ये आपने कैसे देखा, वन ऑफ द टर्मिनल इज पॉजिटिव, अमूमन स्विच के साथ कनेक्टेड होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये फिक्स रेजिस्टर में से पास करेगा, फिर थर्मिस्टर में से होता हुआ ये यहाँ पे बैटरी के पास चला गया। भले तीन बना दे सेल बेटा, कोई इशू नहीं, मैंने दो बनाया, आप तीन बना दो, चले तीन बना देते हैं। ठीक है, उसने तीन सेल शो किए तो ये कह रहे तीन बनाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीन बना दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड रिकॉर्ड्स इट। बेटा उसने सर्किट बनाने को कहा है, वैसे लेबल ना भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने सर्किट ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम होता तो फिर लेबल का, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लेबल किया है, अगर आप नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम। तो द स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम एंड रिकॉर्ड्स इट, यानी रूम टेम्परेचर उसने मेजर किया एंड द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, TW इज रूम टेम्परेचर। फिगर 2.3 शोज द वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ओके, वोल्ट मीटर रीडिंग रीड करें। ओके बेटा ठीक है, सही है बेटा, आप लोगों के आंसर ठीक है, इट्स 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है ना, ये निडल देखें यहां पे 2 वोल्ट पे। जी ईशा सही है बेटा आपका, ठीक है 2 वोल्ट आंसर आ गया। देन द नेक्स्ट वन, देयर इज अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर नियर द थर्मिस्टर। इंपॉर्टेंट बात, देयर इज अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर नियर द थर्मिस्टर, द स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर TC ऑफ द आइस एंड वाटर एंड रिकॉर्ड्स इट, द रिकॉर्डेड रिजल्ट इज शोन इन फिगर 2.4। TC इज द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर एंड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है,
उसके बाद ये कह रहे हैं द थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन द बीकर ऑफ द आइस एंड वाटर एंड आफ्टर अ मिनट द वोल्ट मीटर इज रेड अगेन. फिगर 2.5 शोज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर व्हेन थर्मिस्टर इज इन बीकर ऑफ आइस एंड वाटर. ओके, तो थर्मिस्टर की रीडिंग आएगी, ये रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये रीडिंग मुझे बच्चे बता रहे हैं 2.9. ठीक है बेटा, सही है, सब लोगों ने सही रीड किया. दिस इज 2.9 वोल्ट. कैलकुलेट द एवरेज चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज. डेल्टा वी एवरेज 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए उसने इक्वेशन दिया है वी सी और वी डब्ल्यू. वी डब्ल्यू वी सी, वी सी मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, मैं भूल जाता हूँ. VC is 2.9 volt. VW, I think that was 2. हाँ, VW is 2. अच्छा, VC is measured on TC. तो TC was 0 degree Celsius and TW कितना था? It was 20 degree Celsius. Okay. Now we will place these values in this equation to calculate, to get the correct. इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? This is 2.9 minus 2 divided by TW is 20 minus this is 0 degree. तो ये बच्चे बता रहे 0.045. ठीक है बेटा, सबका आंसर ठीक है, सबने ही आंसर सही बताया 0.045. अच्छा, अब वी एवरेज आ गया 0.045. अब ये नेक्स्ट पार्ट इसके साथ उसने लिखा है इसका यूनिट बताओ. अब यूनिट के लिए मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं. अब प्लीज सब लोग जरा अटेंटिव हो जाए, गौर से देखें. ये आपके पास न्यूमिनेटर पे यहां पर कौन सी क्वांटिटी लिखी है आपने, दीज आर द वोल्ट्स, तो यहाँ पर इसका यूनिट लिख दें वोल्ट. और डिनोमिनेटर में कौन सी क्वांटिटी लिखी है, दैट इज टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिट लिख दें, दैट इज डिग्री सेल्सियस. तो अब बेटा यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आई, इस क्वांटिटी का आपके पास जो यूनिट बनेगा वो यूनिट क्या बनेगा, जल्दी बताओ. यस, बिल्कुल सही है, वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही. एग्जाम में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इन यूनिट्स को लेकर, एक पार्ट जरूर होता है यूनिट्स का, तो इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं. जैसे मैंने अभी बताया इक्वेशन में उन क्वांटिटीज के यूनिट लिख देना, आपके पास जो है वो उस क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? जी वोल्ट, बिल्कुल सही है ईशा आपका आंसर, वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? यूज योर आंसर टू डी वन. डी वन क्या था भाई? अच्छा ये वाला डी वन, टू प्रिडिक्ट डी वन का आंसर लिख दो 0.045 वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस. तो यूज योर आंसर टू डी वन टू प्रिडिक्ट द वोल्टेज वी पी बी across the thermistor when the thermistor is at body temperature. Okay, पहले thermistor room पे था, फिर उसको ice plus water यानी 0 degree पे लाया, अब ये body temperature पे thermistor को लेके आ रहा है. अच्छा, तो use your answer to D1 to predict the voltage VPB across the thermistor when the thermistor is at body temperature. The body temperature is 37 degree Celsius. Okay, you may assume that every change in voltage for 1 degree temperature change, delta V average is constant. Yani isne isko constant kar diya, yani ye aapke paas constant hai. Har degree Celsius change pe aapke paas jo volt ka change aayega wo 0.045 aayega. Theek hai, ye usne aapko bata diya. To अब इसमें कैसे करें, अब इसको हम यू करते हैं,
कि हमारे पास इक्वेजन दी हुई है, उसमें 1 मिनट, इसकी इक्वेजन है बी सी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। तो वी सी माइनस वी डब्ल्यू बी सी इज 0 डिग्री सेल्सियस, वोल्टेज इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा एवरेज वी एवरेज इज इक्वल टू वी सी माइनस वी पी बी अपॉन, ठीक है। अब बड़े टेम्परेचर में से छोटे को माइनस करेंगे तो टेम्परेचर बॉडी वाला ज्यादा है पी बी, ठीक है, माइनस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का टी सी वाला, यहाँ से ये वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी। ओके, तो दैट इज 0.045, वी सी वॉज 2.9, वी पी बी इज अननोन, दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस, माइनस आपके पास ये आ जाएगा टी सी इज 0, ठीक है। तो अब बेटा ये फाइंड करो, पहले ये कैलकुलेट कर दें। कोई आंसर? चले मैं खुद कर लेता हूँ। देखो मैं एक बात सुनता हूँ, इसको इस इक्वेशन के चक्कर में अगर नहीं समझ आ रही तो यू सुन। देखो जब टेम्परेचर था टी सी यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग वी सी दैट वॉज 2.9 वोल्ट, ठीक है। तो जब टेम्परेचर आपके पास बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके पास क्या होनी चाहिए ये आपने देख लो, अब समझो। तो आपके पास 0 डिग्री से यानी 37 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज पे वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.045 वोल्ट चेंज हो रहा है, तो 37 पे ये अगर हो जाए एक्स, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू वन 37 इंटू 0.045, तो एक्स कितना आएगा ये प्लीज कोई कैलकुलेट करें। 1.665 वोल्ट्स, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो 37 पे ये वोल्ट मीटर की रीडिंग इतनी होगी, मतलब ये आपके पास वोल्टेज इतना हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर 2.9 पे था, अब 2.9 में से ये रीडिंग माइनस करूंगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग की चेंज आ जाएगी, ठीक है। द चेंज इन वोल्टेज इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, चेंज इन वोल्टेज उसने कहा है, वो वोल्टेज कहता तो मेरा आंसर 1.665 होता। 0 डिग्री सेल्सियस पे वोल्ट मीटर की रीडिंग 2.9 है, तो अब इस 2.9 में से मैं 1.665 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बेटा इसका चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा। तो चेंज इन वोल्टेज जो होगा वो मेरे पास 2.9 माइनस 1.665, तो ये मेरे पास
अब कितना आ रहा है, 1.235 वोल्ट आ रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूले वाली, क्योंकि ये फॉर्मूला बना बनाया था, तो मैंने यूज दिस इक्वेशन, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आप भले इस तरह प्रोपोर्शनलिटी से कर लें। ये अब बात समझ में आई है कि मैंने क्या वो किया? तो बेटा हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस के चेंज पर वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.054 वोल्ट हो रही है चेंज, तो 37 पे 1.665 हो गया। वोल्ट मीटर डिस्प्ले पे रीडिंग दे रहा है 2.9 की, और उसमें से 1.665 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास रीडिंग आ गई 1.235। तो अब मैं इसको लिख दूंगा 1.24 वोल्ट्स, या 235 भी लिखते हैं तो ठीक है, वो भी गलत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी पूछ ले बेटा, सही है, क्लियर है? दिस वाज अ ट्रिकी पार्ट, ये मुश्किल था, समझ आ गई बात की? चलिए दैट्स गुड। हमारे पास क्वेश्चन को आप पढ़ें कि आपके पास प्रिडिक्ट करना है वोल्टेज VPB अक्रॉस द थर्मिस्टर व्हेन द थर्मिस्टर इज एट बॉडी टेम्परेचर। तो आपको उसने बता दिया कि आपके पास जो 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.045 वोल्ट जो है, इसका रीडिंग का चेंज आ रहा है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया, उसने कहा यही कांस्टेंट आपने यूज करना। तो 1 डिग्री के सेल्सियस के चेंज पे ये आ रहा है, तो 37 डिग्री के सेल्सियस चेंज पे आपके पास वोल्टेज बनेगा 1.665। वोल्ट मीटर इज शोइंग 2.9 0 डिग्री पे, तो जब वो 37 पे जाएगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, ये अब आपने सोचना है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बेटा 2., अच्छा अब मैं समझ गया, बात पे पहुंच गया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। एक मिनट, सर्किट पे वापस आ, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं आप लोगों का पॉइंट समझ गया, आप शायद मैं एक्सप्लेन नहीं किया, इस वजह से ये दोनों पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन रहा है। अच्छा अब देखो जरा कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। तो व्हेन दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, एंड वी ऑल्सो नो दैट वी इज प्रोपोर्शनल विद आर। तो जब इसका रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का ज्यादा होगा तो इसका वोल्ट मीटर का रीडिंग भी ज्यादा होगा, दैट वॉज 2.9 वोल्ट। When this temperature is increased to 37 degree Celsius from 0 to 37, तो resistance of the thermistor that falls, ये कम हो जाएगा। जैसे ही ये resistance कम होगा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कम हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 2.9 से कम होना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब मेरे पास 1.665 37 डिग्री टेम्परेचर के लिए जो वोल्टेज में चेंज आने चाहिए वो 1.665 है। अब वोल्ट मीटर ऑलरेडी 2.9 वोल्ट जीरो पे दिखा रहा है, तो जैसे ही अब वो टेम्परेचर 37 पे आएगा तो 1.665 वोल्ट का उसमें डिक्रीज आएगा, दैट्स व्हाई मैंने ये माइनस किया। अब हमजा समझ में आई बात? अब क्लियर हो गया बेटा? ये अब मैं उस वक्त बताना भूल गया, मेरे ख्याल से आई थॉट कि आप लोगों को पोटेंशियल डिवाइडर याद है। ठीक है, अब क्लियर हो गया बेटा? दैट्स व्हाई आप परेशान थे ना, मैंने माइनस क्यों किया, इसलिए कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसका वोल्टेज कम होगा, तो 2.9 से वोल्टेज को कम होना। अगर यहीं पर ये टेम्परेचर फर्स्ट करते हैं -37 करता, तो हम 2.9 में प्लस करते 1.665। सबको बात क्लियर होगी है बेटा, ये किस तरह से मैंने अप्रोच किया क्वेश्चन को? ठीक है, तो 1.24 मेरा आंसर आ गया इसमें। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। The student is told that if the thermistor is held between a thumb and a forefinger for 2 minutes, the reading on the voltmeter VAB will be the same as the predicted voltage VPB. अगर वो 2 मिनट तक उसको होल्ड करेगा तो जो थर्मिस्टर का टेम्परेचर होगा वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो थियोरेटिकली तो VAB और VPB को बराबर हो जाए, VPB इज योर प्रेडिक्टेड वोल्टेज जब ये बॉडी टेम्परेचर पे होगा, और जब इसने होल्ड किया हुआ है उसको 2 मिनट के लिए थर्मिस्टर को, और उसके बाद उसकी वो रीडिंग आ रही है VAB।
कोई प्रॉब्लम? इस स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, टू क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इफ देयर वैल्यूज आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर. द थर्मिस्टर इज हेल्ड बिटवीन द स्टूडेंट्स थंब एंड फोर फिंगर फॉर 2 मिनट्स एंड द स्टूडेंट रीड्स एंड रिकॉर्ड्स द वोल्टेज वी ए बी. द रिकॉर्डेड रिजल्ट इज शोन इन फिगर 2.6. द रिकॉर्डेड रिजल्ट इज दिस वन 0.80 वोल्ट. ये उसने शो किया है अपने इसमें. ठीक है, अब बेटा स्टेट वेदर द स्टूडेंट रिजल्ट इंडिकेट वीपीबी वीएबी आर इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी. सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद अ कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन शो करनी है आपने. अब आपके पास सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, वीपीबी आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो वीपीबी वाज 1. कितना था? 1.235 या 1.24 मैंने लिया है, तो 1.24 ले लेता हूँ. 1.24 वोल्ट्स. और वीएबी कितना दिया है बेटा उसने? वीएबी इज 0.80 वोल्ट्स. ठीक है, जी अब आप लोग इस पे करें काम खुद, तो मैंने सिखाया हुआ है. अब किसी भी एक का 10% फाइंड करें, किसी भी एक को कंसीडर कर लें. प्लीज ये वर्किंग करें आप लोग. सुभान बोल रहे हैं कि नो, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है. आप लोग करें, देखें. नॉट इक्वल, द आंसर इज नो. ठीक है, सबको तरीका आता है, अब सबको प्रैक्टिस हो गई है. कौन सी वोल्टेज को पिक करूं आप लोग बताएं, जिसको आप लोग कहेंगे मैं वो पिक कर लेता हूं. मैंने कहा था ना, दोनों में से कोई भी पिक कर लेना, तो परेशान नहीं होना. 1.24, ठीक है. तो हम 10% ऑफ 1.24 फाइंड कर लेते हैं. तो दैट इज 10/100 इंटू 1.24. तो बेटा ये बन जाएगा 0.124. देन 1.24 प्लस 0.124, 1.24 माइनस 0.124. ठीक है, तो प्लीज मुझे बताते जाए, आंसर्स बताते जाए. प्लस किया तो बेटा कितना आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये प्लीज आंसर बताइए इसके. कोई माइनस करने पे 1.16, 1.364 एंड 1.116, ये आपके पास आंसर्स आ गए. सो योर रेंज इज 1.364 वोल्ट्स टू 1.116 वोल्ट्स. द रीडिंग ऑफ 0.80 वोल्ट डज नॉट लाई विद इन दिस रेंज. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी ए बी एंड वी पी बी, ठीक है, आर नॉट इक्वल, आर नॉट विद इन, जो इसने सेंटेंस यूज किया वो यूज कर, विद इन are not within the experimental, within the limits of experimental, within the एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी.
BAB and BPP are not within the limits of experimental accuracy. ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10%, देयरफॉर BAB इज नॉट इक्वल टू BPB। क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं।